हमारे साथ मौजूद हैं एबीवीपी के नव निर्वाचित महामंत्री शुक्ल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका क्या मुख्य उद्देश्य था जी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। एबीवीपी का 68वां राष्ट्रीय अधिवेशन गुलाबी शहर जयपुर के अंदर में सम्पन्न हुआ। इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर पूरे देश भर के प्रतिनिधि, चाहे कन्याकुमारी से कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश से हमारे गुजरात के सभी जगहों के कार्यकर्ता इस अधिवेशन के अंदर में 1485 कार्यकर्ताओं की सहभागिता रही। साथ में नेपाल से भी जो ऑब्जर्वर डेलीगेट्स के नाते 22 प्रतिनिधियों का सहभागिता इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में रहा। इस राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से हमने 5 प्रस्ताव समाज जीवन और शैक्षणिक जगत के सामने, भारत के नौजवानों के सामने प्रस्तुत किया है और प्रस्ताव पारित किया है। जिस प्रस्ताव के अंदर में पहले प्रस्ताव में हमने कहा है कि भारत एक नई करवट की ओर भारत आगे बढ़ रहा है और वर्ल्ड ऑर्डर में हम देखेंगे तो हमारा बहुत अभी वेट भी बढ़ा है और ये बढ़ना भी चाहिए क्योंकि हम भारतीय लोग इस लायक भी हैं। तो राष्ट्र की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक जो धनराशि चाहिए अविलंब क्रियान्वित करने हुए थे हेतु आवश्यक धनराशि केंद्र और राज्य सरकार दिल खोल के खर्च करे शिक्षा के उन्नयन के लिए, हमने प्रस्ताव के अंदर में बात कही है। दूसरा हमारा है कि भारतीय भाषाओं में और भारतीय ज्ञान परंपराओं से युक्त शिक्षा भारत के नौजवानों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, उस दिशा में सरकारें आगे बढ़े। तीसरा हमारा है कि आज आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि हमारा पूरे विश्वविद्यालय एक प्रवेश परिणाम और प्रवेश परीक्षा परिणाम की अनियमितताओं से के दौर से अभी हम सब लोग गुजर रहे हैं। तो ये अनियमितताओं को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य की सरकार अविलंब ठोस कदम उठाए कि आने वाला समय में राज्य के अंदर में, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर में जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का समाधान समय पे हो सके। और हमारा प्रयास ये है कि राज्य सरकारें, 90% स्टूडेंट राज्य सरकार के यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में है, तो राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर में समस्याएं न रहें, उस दिशा में जो भी उनको आवश्यक कदम उठाना चाहिए वो कदम उठाए। और हमने PFI के बारे में कहा है, PFI जिस प्रकार से आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा गंभीर खतरा है, तो PFI और उसके पोषक तत्वों पर अविलंब प्रतिकार होना चाहिए और जांचोपरांत उनके जो भी मैकेनिज्म है, उनको जो भी फंडर हैं, चाहे उनका जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई होना चाहिए ताकि इस देश के अंदर में देश तोड़ने की परंपरा को लेकर कई संगठन बनते हैं, ऐसे संगठन भविष्य में न बने। और 5वां प्रस्ताव हमारा था कि भारत की को अभी G20 की अध्यक्षता मिल रही है, इस अध्यक्षता का लाभ बोलना तो ठीक नहीं चूँकि हम भारत वाले लोग तो लाभ के बारे में ये नहीं करते, विश्व की कल्याण के लिए भारत के जो उत्कृष्ट विचार हैं वैश्विक जगत पर जाए उसके लिए हम सब लोग भारत में एक सकारात्मक वातावरण बनाते हुए कैंपसों में चर्चा करते हो कि दुनिया के लिए भारत के कैसे विचार जाना चाहिए, इसलिए इन 5 प्रस्तावों को लेकर के अपना राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। इसको अभी ज्ञानोत्सव के भी एक कार्यक्रम यहाँ पे पूसा इंस्टीट्यूट में संपन्न हुआ था, तो अब बात करते हैं शिक्षा की, तो हम उनका भी यही उद्देश्य था कि शिक्षा से आत्मनिर्भर भारत की ओर, तो अर्जुन राम पाल जी मेघावाल जी जो है उन्होंने बोला कि शिक्षा से आत्मनिर्भर भारत की ओर, तो ये सपना कहाँ तक साकार होता हुआ आपको लग रहा है? देखिए, पूज्य गांधी जी ने लर्निंग बाय डूइंग की बात कही थी जी। हमारे सभी शिक्षा शास्त्रियों ने कहा कि स्कूल से ही आप स्वावलंबन के बारे में छात्रों को प्रेरित करिए। कोई भी शिक्षा व्यवसाय नहीं है, लेकिन शिक्षा संपूर्ण समाज का विकास का धरातल है, इसलिए छात्रों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनने की दिशा में शिक्षा प्रेरित करना चाहिए। दुर्भाग्य से हमारा देश लिपिक बनाने के लिए, क्लर्क बनाने की शिक्षा मैकाले शिक्षा पद्धति के कारण से दिया। एक अवसर अभी हम सब लोगों को मिला है कि हम भारत केंद्रित शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए स्वावलंबी भारत, भारत के युवाओं के लिए उसमें क्या भूमिका हो सकती है, इस नाते ABEP ने पूरे देश में एक अभियान लिया है, स्वावलंबी भारत, रोजगार सृजन केंद्र और उद्यमिता प्रकोष्ठ। हमने अधिवेशन के अंदर में कहा है उद्यमिता प्रकोष्ठ प्रत्येक विश्वविद्यालय को स्थापित करना है, हम अपने देश के लोगों को, छात्रों को उद्यम के लिए प्रेरित करें, सिर्फ नौकरी लेने के लिए प्रेरित न करें, जॉब लेने के लिए प्रेरित न करें। भारत अभी दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है और हम सब लोगों को ऐसी आशा दिखाई दे रही है कि जिस दिन भारत के नौजवान आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत की भूमिका में खुद को ढूंढना प्रारंभ करेंगे तो हम दुनिया की पहली इकोनॉमी बन जाएंगे। आपको लगता है कि कितनी ज़्यादा आवश्यकता है जो हमारी मातृभाषा हिंदी और संस्कृत है उसके उत्थान की, उसको आगे बढ़ाने की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है छात्रों के बीच में? देखिए, हम जिस परंपरा को मानते हैं भारतीय परंपरा, और भारतीय परंपरा में सिर्फ हिंदी और संस्कृत नहीं है, तमिल भी इस राष्ट्र का राष्ट्रभाषा है, कन्नड़ भी इस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा है, बंगाली भी इस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा है,
हमारा राष्ट्र की सभी भाषाएं हमारी राष्ट्र की भाषा है। यदि तमिल का बच्चा यदि बेस्ट तमिल में देना चाहता है तो उसको शिक्षा तमिल में मिलनी चाहिए, ये हमारा मानना है एबीवीपी का। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर में हमने स्वागत भी किया है कि भारतीय भाषाओं में शिक्षा हो। चूँकि मैं जिस माँ के गोद में पढ़ा हूँ, पला हूँ, बढ़ा हूँ, तो जिस परंपरा के साथ मैं जुड़ा हूँ, मैं स्कूल में जाऊँगा वो परंपरा मुझे देखने को मिलेगी। क्षेत्रीय भाषाओं को भी आप बात करें, डेफिनेटली चाहे ऐसा हो, क्षेत्रीय भाषा हो, भाषा बैरियर नहीं होना चाहिए। हम किसी भाषा का विरोधी नहीं है, हम वैश्विक भाषाओं को सीखना चाहिए, लेकिन वैश्विक भाषाओं के दबाव में बाकी भाषाओं को हम भूल जाएं, ये चीज़ें ठीक नहीं है। इसलिए भारतीय भाषाओं में शिक्षा होनी चाहिए और उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा होनी चाहिए। हमारा भारत का इकोनॉमी है, भारत की राजनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, भारत की विज्ञान है, भारत की चिकित्सा शास्त्र है, इस पर चर्चा हमको करनी चाहिए। जब लोग इंग्लिश सीखते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं, तो बहुत सारे रोजगार के उनको अवसर मिलते हैं, मगर अगर वो क्षेत्रीय भाषाओं में निपुणता हासिल करते हैं तो उनके उन भाषाओं में अगर वो पारंगत हो जाते हैं तो रोजगार के अवसर कहाँ से मिलेंगे? देखिए, आज योग को किस भाषा में हम सिखा रहे हैं? आज दुनिया के अंदर में योग आरमा दक्षा में हो रहा है, आज अनुलोम विलोम हम करा रहे हैं दुनिया को। इसलिए ये सवाल नहीं है, आप थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे, लगभग 1000 साल तक दुनिया के वर्ल्ड इकोनॉमी के हमारी एक तिहाई भागीदारी थी। उस समय कौन भाषा थी हमारी? जापान विकसित है तो उसकी अपनी भाषा कौन सी है? इसलिए ये हमारे ऊपर एक कपोल कल्पित इस प्रकार की परिभाषा थोपा गया है कि आप उसी के आधार पर विकास कर सकते हैं। हम किसी भाषा का विरोधी नहीं है, लेकिन हमारा बच्चा जिसमें बेस्ट दे सकता है हमारे लिए वही अनुकरणीय भाषा है। बाकी हम सभी भाषाओं को सीखेंगे। 3 भाषा सीखने के बारे में NEP भी वकालत करती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा करी ये रेडियो के दर्शकों के साथ, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से।